फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के विश्वनाथ प्रसाद नारायणी सेना के जिला उपाध्यक्ष चुने गए। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव ने नारायणी सेना के बारे में बताते हुए कहा कि नारायणी का गठन माननीय लालू प्रसाद ने किया है। नारायणी सेना कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि धर्म को और मजबूत बनाने का काम करेगी। नारायणी सेना का उद्देश्य है कि धर्म से अलग वो राजनीति करेगी, जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने नारायणी सेना गठन किया था। पकड़ी दयाल के विश्वनाथ प्रसाद के जिला उपाध्यक्ष चुने जाने पर पकड़ी दयाल के सभी लोगों ने फूलों की माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। का जो गठन हुआ है तेज प्रताप जी के नेतृत्व में, जो संरक्षक है, और यह संगठन जो धर्म के जो ठेकेदार जो बने हैं, जो राजनीतिक दल भाजपा जो राम के और हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति करती है, उसी तरह वो धर्म के राजनीति करते हैं। और यहाँ हम लोग धर्म को मजबूत करने के लिए नारायणी सेना का गठन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में धर्म और राजनीति से अलग रखना, राजनीति से अलग रखना धर्म का उद्देश्य है। नारायणी सेना का गठन हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किए हैं। पूर्वी चंपारण के विभिन्न होटलों और दुकानों से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उनके परिजनों को प्रोत्साहन राशि दी गई। पूर्वी चंपारण बाल संरक्षण इकाई ने 10 बच्चों को मुक्त कराए गए। उनके अभिभावकों को प्रति बच्चा 20,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि का चेक दिया। इस मौके पर बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी मौजूद थे। दरअसल विगत दिसंबर महीने में मोतिहारी शहर के विभिन्न होटल और मोटर गैराज से 10 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए थे, जिन बच्चों का काउंसलिंग कराने के बाद उनके अभिभावकों को सौंपा गया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को 20,000 रुपए का चेक बाल संरक्षण इकाई के द्वारा दिया गया। अभिभावक को दिया गया चेक। बंधुआ मजदूर या बाल श्रम से मुक्त किया कराए गए बालकों को केंद्रीय योजना अंतर्गत अनुदान राशि दिया जा रहा है, जिसमें 31 बालकों को लाभ दिया जाना है। आज 10 बालक का पता और पहचान को सत्यापन कर उनको 20,000 रुपये चेक की राशि, उनके बेहतर पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, भोजन इत्यादि के लिए दिया गया। राजगीर के पुलिस अकादमी में फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु एवं पदाधिकारियों के द्वारा मोमेंटो व फूल माला देकर सम्मानित किया गया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को अकादमी पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अपराधियों में भय पैदा करना और जनता का विश्वास जीतना है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने में हमें सहयोग करें। अपराधियों में भय पैदा करना है, जनता का भरोसा जीतना है, और ये सब काम जनता के सहयोग से ही होगा, बिहार के नौजवानों के सहयोग से होगा, बिहार की 12 करोड़ आवाम जो है उसके सहयोग से होगा। बिना जनता के सहयोग के पुलिस कभी भी विधि व्यवस्था संधारण में या अपराध नियंत्रण में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। बिहार के नौजवानों का आगे आना होगा, मेरे साथ खड़ा होना होगा, उन्हें मेरी ताकत बननी होगी। और मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ यही चाहता हूँ, मुझे सूचनाएं दें और कार्रवाई
का मैं आपको आश्वासन दे। बिहार शरीफ के भराव पर महावीर स्थान में नवनिर्मित मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की अगवानी बिहार शरीफ के बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए विधायक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का मंदिर शहर के सभी इलाकों में बने ताकि पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो। आज शुभारंभ होना शोभा यात्रा है। मैं चाहता हूँ इस तरह के मंदिर बिहार शरीफ शहर में हर मोहल्ले में बने। अभी अंबेर मोहल्ले में मंदिर का उद्घाटन करने का मौका मिला, बहुत खुशी। दोबारा अभी यहाँ आने का मौका मिला है। रिश्वत लेते हुए रपलासी प्रखंड के अंचल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। बता दें उन्हें पटना से आई निगरानी टीम ने उनके आवास से पकड़ा है। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले के किराए के मकान में रहते थे। पटना निगरानी विभाग की टीम ने जिले के पलासी अंचल के सीओ को 1,00,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। निगरानी के DSP गोपाल पासवान ने बताया कि हमें सूचना दी गई थी कि जमीन के काम करवाने के एवज में 1,00,000 रुपये की डिमांड की जाती है। इसी के तहत छापेमारी कर रुपये लेते रंगे हाथ हम लोगों ने सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह आज सत्यनारायण यादव से 1,00,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी विभाग पटना के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरपुर के काजी महमदपुर थाना क्षेत्र के एक लूट की घटना सामने आई है, जहां दुकान में चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। और इतना ही नहीं, चोरी करने के बाद चोरों ने दुकान में आग भी लगा दी, जिससे पूरे मोहल्ले की बिजली की तार जल गई। अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह आज सत्यनारायण यादव से 1,00,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी विभाग पटना के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। यह सत्यनारायण यादव का अतिक्रमण CO साहब के द्वारा सूचित किया गया था कि आपने घर जो बना लिया है वह अतिक्रमण में आता है, आप खाली करें। तो इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया अपर समर्थक को, उनके द्वारा हुआ कि पुनः जांच कर प्रतिवेदन दे। जांच में आया था कि नहीं, इनका जो मकान बनाया है वह सही है। इन्होंने कहा ठीक है, इसको हमको सही करने के लिए हमको 1,00,000 रुपया चाहिए। इसलिए कि लाला जी की पान दुकान बगल में हम लोग पड़ोस में रहते हैं, 4 बजे भोर में धनकने की आवाज़ आई, जिसमें हम लोग देखे कि इनका पान की दुकान का गुमटी जल रहा है। जब रूम खोले तो आगे से हैंडल लगाया हुआ था, तो आवाज़ ये तो पड़ोसी आकर मेरा रूम का हैंडल खोले, और उसके बाद जब हम लोग निकले तो गुमटी धनक रही थी, तो देखे कि सामान कुछ बाहर निकला हुआ है, तो हम लोगों ने पानी से मुझाया। बाद में जब अस्थिर हुआ आग, तो देखे कि एक तरफ का कब्जा उखाड़ा हुआ है और
कुछ सामान बाहर निकाला गया है और गुमटी में आग लगी। मुजफ्फरपुर शहर के सभी मार्गों पर भ्रमण करके यातायात प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन पहिए वाहन पर व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने सहित वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जी, 4 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। आंध्रप्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक जफ्फरपुर के द्वारा ये निर्देश हम लोग को मिला है कि सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, लोगों की जान माल की क्षति होती है, उसकी रोकथाम हेतु हम लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि सड़क पर सुरक्षित होकर के सभी लोग चलें। ये एम्स एन ऑब्जेक्ट है इस अभियान का हम लोगों का यातायात पुलिस जफ्फरपुर। बक्सर के श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कभी चिकित्सा के लिए 14 विभागों की सुविधा दी जाती थी और इंडोर में भी मरीज देखे जाते थे, जो आज खंडहर में पूरी तरह तब्दील हो गया है। इस अंतिम सांस लेने वाले अस्पताल की सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। 100 बेड के इस अस्पताल में ज़रूरत के मुताबिक मरीज को भी भर्ती किया जाता था। उस समय यहाँ फिजिशियन से लेकर सर्जन तक मौजूद रहते थे। बताया जाता है कि वर्ष 1980 में इस अस्पताल को अपनी ज़मीन उपलब्ध हुई थी और इसे गंगा के तट पर अहिरौली गाँव के बांध के समीप स्थापित किया गया था। सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले के शक्ति केंद्र पूर्णिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी शक्ति केंद्र जाने के क्रम में भाजपा नेता नित्यानंद राय अररिया रुके थे, जो शक्ति केंद्र में भाग लेने पूर्णिया जा रहे थे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 4 लोकसभा क्षेत्र सीमांचल का अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के शक्ति केंद्र सम्मेलन में पधार रहे हैं। उसी शक्ति केंद्र के जाने के क्रम में आज मैं अररिया होकर, आप जानते हैं कि पूर्णिया जाने का रूट अररिया होकर है, तो मैं उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इधर से जा रहा हूँ। मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ प्रखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र रेपुरा में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा पोषण अभियान के तहत समुदाय आधारित कार्यक्रम गोद भराई का शुभारंभ बिहार सरकार के समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस
अवसर पर मसौरी SDM संजय कुमार के अलावा सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अरुण भैया थोड़ा मोबाइल नीचे कर वो किसी तरह की अकालता विकलांगता का शिकार नहीं हो, स्वस्थ हो, इसके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और विभाग के लिए जिम्मेवारी हम लोगों की है, ये सिर्फ ड्यूटी करने के लिए नहीं, सही माने में जो महिलाएं गर्भवती हैं उनकी देखभाल ऐसे तो परिवार करता ही है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी है, हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है वो बढ़िया हो, सुरक्षित हो और किसी तरह की बीमारी उसको नहीं हो, ये हम लोग का नैतिक दायित्व है और हम लोग अपने दायित्व का पालन करने के लिए आज इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई खतरनाक बीमारी नहीं हो, सिर्फ शुरू से ही गर्भ धारण के पश्चात से ही। निदेशक महोदय ICDS DPO ICDS DPO प्रखंड खनरुआ BDO साहब, तमाम सेविकाएं सहायिकागण यहाँ पे उपस्थित, यहाँ के सम्मानित वासियों, इस समारोह के सफल आयोजन में लगे हुए तमाम पदाधिकारी एवं कर्मीगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्मोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर् नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्यो मा अमृतगमय। विभाग के भी माननीय केंद्र कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य सरकार के, बिहार सरकार के, और ये रेपुरा ग्राम का, देवा पंचायत का, धनरुआ प्रखंड का और पटना जिला का बहुत बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री हमारे बीच इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप लोगों के बीच से कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी का पूरा पटना जिला, धनरुआ प्रखंड, मसौढ़ी अनुमंडल और रेपुरा गांव का ये आंगनवाड़ी केंद्र, इसकी तरफ से हम सभी पूरे जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। आरक्षण महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया है और उसका नतीजा है कि कितना बढ़िया से प्रमुख को मिला आरक्षण है, अब तक ये प्रमुख हो गई, ये सब बदलाव समाज में आया, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन आपकी भी बोली है सर, इधर देखा जाए सर, चेहरा इधर उसको सर सर इधर देखा सर थोड़ा सा सर इधर सर सर थोड़ा सा इधर देखा जाए सर कैसे इधर देखेंगे हम लोग तो देखिए बातें लिखी हुई हैं जो इनको करना है सर, वो भी दे रहे हैं संदेश। चलिए और पीछे आइए, पीछे आइए तो मैडम पीछे आइए। जी 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 अजय भैया पीछे आइए, हाँ भाई पीछे आइए, तुमने भी इधर तक आएगा। और तालियों से बहुत बहुत सभी गर्भवती महिलाओं का स्वागत। नहीं मैं वीडियो नहीं ले रही, मैं स्टिल ले रही हूँ वीडियो। और ये माननीय मंत्री के कार्यक्रमों द्वारा माननीय मंत्री जी के शुभकामना संदेश दिए चाहिए।
और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो पढ़िएगा और खाने पीने में उन बातों का भी ध्यान रखिएगा। जो चर्चा आप कर रहे हैं ये बीते दिनों की बात थी। अब बिहार में परीक्षा देने वाले बच्चे बच्चियां और अभिभावक सबों की मानसिकता ये हो गई कि परीक्षा में कदाचार अब नहीं चलेगा, और कदाचार से अगर सर्टिफिकेट ले भी लिया तो उसको कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मेरिट का जो है। सभी जगहों पर बिल्कुल शांतिपूर्वक परीक्षाएँ चल रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।